अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉर्क सेट 42 इसकी अपडेट। आपको पता है यहाँ पर नेट जियो वर्ल्ड के चैनल टर्न ब्रंक की पर चले हुए हैं, तो वो कैसे चलाने हैं वो भी मैं आपको तरीका मुकम्मल आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। LNB की पोजीशन इस तरह रहेगी, आपने ऐसे रखनी है। ये देखें, ये सैटेलाइट 2 फीट पर भी वर्क करती है और उससे बड़ी डिश भी आप आसानी से इस सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं। ये देखें, ये डिश की बैक साइड भी मैं आपको दिखा दूँ। मैंने 5 फीट पर इसको आज सेट किया है तो मुझे मुकम्मल रिज़ल्ट इसका आज मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 फीट पर वर्क करती है, इस वजह से 5 फीट पर इसके सारे चैनल रसीब हो जाएंगे। और नेट जियो वर्ल्ड कैसे चलाना है, नेशनल जियोग्राफिक, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अब चलते हैं LCD की तरफ। तो दोस्तों, LCD की तरफ आने के बाद मैं आपको ये दिखा दूँ, ये स्ट्रॉन्ग टीपी आपके सामने है। आप जब भी डिश की सेटिंग क्या करें, ये टीपी लगाकर आसानी से सैटेलाइट के सिग्नल ट्रैक कर सकते हैं अपने लोकेशन पर। तो इसको कर लेते हैं जल्द स्कैन। यहाँ पर मैं सिंगल सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, वरना ये सारे के सारे स्कैन होते रहेंगे। यहाँ पर आपने FTA ओनली सेलेक्ट नहीं करना, नो ही रहने देना है, वरना आपके पास स्क्रैम्बल चैनल की कोई भी लिस्ट नहीं आएगी अपने आपके रिसीवर पर। तो ब्लाइंड स्कैन करने के बाद आपने सर्च पर ओके कर देना है। आज इसका तरीका मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने इस रिसीवर में बेस टर्न ब्रैंक की ऐड करनी है। दोस्तों, चैनल शुरू हो गए रिसीव होना इस रिसीवर में। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ये 3510C का बॉक्स है, अली 3510 का। ये देखे जी दोस्तों, बहुत तेजी से चैनल लिस्ट इसकी बढ़ रही है। टर्न ब्रंक की आज मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, हो सकता है ये चेंज हो जाए उसके बाद कुछ दिनों बाद। तो आप इसकी जो भी अपडेट की हो वही इसमें ऐड किया करें। आज की अपडेट जो की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, स्कैन कंप्लीट हो गई है, इतने चैनल हुए हैं रिसीव। अब देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों, ये देखेंगे, सबसे पहले इस पर मैंने की ऐड कर ली है। ये देखें, ये फ्री में चला हुआ है। उसके बाद मैं आपको और लिस्ट भी चेक करा दूं, उसके बाद तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये डजनी का चैनल भी फ्री में चला हुआ है, कार्टून का। उसके बाद और कौन से चैनल हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। ये देखें, मुकम्मल डिटेल इस सैटेलाइट की आज मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे 5 फीट की डिश पर फीड ऑन के साथ इतने चैनल रसीव हुए हैं आज। ये देखें, ये फ्री TV चैनल लिस्ट आपके सामने इस सैटेलाइट की। ये स्पोर्ट्स का चैनल, कुछ स्क्रैम्बल चैनल हमारी दोस्तों, ये स्क्रैम्बल लिस्ट जा रही है। उसके बाद और फ्री कौन से चैनल हैं,
तो चैनल ये भी है आपके सामने। अब ये यहाँ से फ्री में शुरू हो गए हैं चैनल। ये देखें दोस्तों इसकी मुकम्मल चैनल लिस्ट। तो दोस्तों ये थी इसकी फ्री चैनल की लिस्ट। अब मैं आपको इसमें की ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। तो मैं की फॉक्स क्राइम HD पर ऐड कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको इसका मॉडल वर्जन चेक करा दूँ। ये देखें दोस्तों 102.02.999 ये 3510 का बॉक्स है ABS सॉफ्टवेयर वाला F1 F2 का। तो अब की ऐड करने का तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने चैनल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने रिमोट पर F2 का बटन या ग्रीन बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपने की ऐड कर लेनी है। तो मेरे पास जो आज इस चैनल की अपडेट की है वो ये है। D4A उसके बाद 2699 उसके बाद 26 C83 उसके बाद 2D आखिर में 0 ही रहने दें। इसको कर लें अब सेव। सेव करने के बाद फिर भी चैनल आपके पास ये नहीं चलेगा तो अब आपने क्या करना है, ये जो कि आपने ऐड की है इसको याद रखना है। उसके बाद मेन्यू का बटन प्रेस कर दें। यहाँ पर चले जाना है आपने रिसीवर के पैच मेन्यू में। अगर आपके पास ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा तो आपने 666 प्रेस करना है तो ये शो हो जाएगा। अब इसको कर लें आप ओके। यहाँ पर आपने ये टर्न ब्रेक की वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, उसको कर लेना है ओके। सबसे आखिर में आपने जो की ऐड की होगी वो आखिर में होगी, उसको फिर से आपने एडिट करना है। न्यू ऐड नहीं करना, आपने एडिट करना है। इसको एडिट के लिए आपने रेड बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपने ये चेंज करना है प्रोवाइडर। यहाँ पर आपने लिखना है 1FEB उसके बाद नीचे आपने 01 सेलेक्ट करना है। अब इसको कर दें सेव। अब एग्जिट कर दें। तो दोस्तों ये देखें ये चैनल चल गया है। बाकी सभी चैनल पर आपने ऐसे की ऐड करनी है इस बॉक्स पर। तो इनकी की मैंने पहले से ऐड की हुई है। बाकी सभी चैनल की आप ऐड कर लें। इनकी की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।